यू नो फ्रेंड्स, आप शायद बिलीव नहीं करोगे पर नेटफ्लिक्स का पहला पेड सब्सक्रिप्शन मैंने केवल स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के लिए ही लिया था, क्योंकि मेरी एक वेब सीरीज सलाहकार दोस्त ने काफी फोर्स किया था इसे देखने के लिए। मतलब आप समझ रहे हो ना, उसने रिकमेंड नहीं फोर्स किया था, और वो भी इतना कि मैंने टॉरेंट और टेलीग्राम में सर्च करने का मेहनत और उसमें अपना टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा और बिना देरी किए घर आकर सबसे पहले मैंने नेटफ्लिक्स में लॉग इन कर उसे फटाफट सब्सक्राइब भी कर डाला और ये सीरीज देखना शुरू भी कर दिया। और फिर क्या, वो दिन था और आज का दिन है। इस शो के लिए मेरी एक्साइटमेंट उतनी ही है। वैसे अगर आप में से कुछ लोगों ने ये शो अब तक नहीं देखा तो ये शायद आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट जिसने भी ये शो देखा होगा वो शायद इस एक्साइटमेंट को समझ ही सकता है। खैर ये तो मेरी बात है, आई एम श्योर आप में से भी काफी लोगों ने इस शो के 3 सीजन को अब तक देख लिया होगा और कल ही आए सीजन 4 के टीजर को भी देख कर लाइक भी कर लिया होगा। लगभग 2 मिनट के इस टीजर में पहले कुछ सेकेंड्स तो कॉन्ज्यूरिंग वाली फीलिंग देता है पर लास्ट में एक्चुअली फील देता है कि यस दिस इज स्ट्रेंजर थिंग्स। वैसे ये सीजन अब तक के सीजन से कम्प्लीटली डिफरेंट और न्यू लोकेशन के साथ आएगा और इसी न्यू लोकेशन में होता है क्रील हाउस जो है विक्टर क्रील का। और विक्टर क्रील के बारे में नेटफ्लिक्स ने नवंबर 2020 में ही अनाउंस कर दिया था एक डिस्टर्ब्ड और इंटिमिडेटिंग मैन के रूप में, जिसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में बंदी बना लिया गया था 1950 में एक बेहद ही शॉकिंग मर्डर के जुर्म में। अब ये तो समझना मुश्किल है कि इस बार इसकी स्टोरी लाइन कैसी होगी, क्या क्या सस्पेंस ट्विस्ट और टर्न होंगे, पर ये तो श्योर है कि ये शो विक्टर क्रील की बैक स्टोरी पे ही बेस्ड होने वाली है, क्योंकि टीजर से ठीक एक ही दिन पहले एक छोटा सा क्लिप भी ट्विटर पे शेयर किया गया था जिसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग को रोल होता दिखाया जा रहा था और जिसमें लिखा हुआ होता है वेंजफुल डीमन किल्ड फैमिली द मर्डर दैट शॉक्ड अ स्मॉल कम्युनिटी, और उसमें इस बंगलो का मोनोटोनस फोटो दिखाया गया है जो 100% श्योर इस साइकोपैथ विक्टर के बारे में ही था। अब विक्टर मानसिक रूप से इतना बीमार क्यों हुआ ये तो शो के आने के बाद ही पता चलेगा, बट इट सीम्स नेटफ्लिक्स ने भी इस शो के बारे में काफी कुछ हिंट देने की कोशिश किया है इस इनसाइड न्यूज के हेडलाइन के थ्रू, जिसमें लिखा है मैजिक पिल हेल्पिंग पीपल लॉस वेट। अब चूंकि मैं भी थोड़ा बहुत जिम विम जाते रहता हूँ और अपने हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहता हूँ तो मुझे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि मोटापा कम करने की कोई गोली नहीं होती, और जो पहले आते थे और जो मोटापा कम करने की जादुई दवा के रूप में बेचते थे वो आज के समय में कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं, जिसका रीजन ये है कि ये दवाइयां मोटापा तो कम करता है पर ब्रेन पे भी अच्छा खासा इफेक्ट डालता है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हिंट है इस शो का। अब देखो हमारा ये शेरलॉक होम बना हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद ना आए, पर इस टीजर में दिखाया गया जूनियर शेरलॉक होम्स यानी डस्टिन हेंडरसन डेफिनेटली अपने एक ही डायलॉग से अभी से सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। वैसे जिन लोगों को डस्टिन के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल इंटेंस सीन्स को भी लाइट कॉमेडी में बदल देता है। आप इसे एक्चुअल में शो की जान मान सकते हैं। वैसे स्ट्रेंजर थिंग्स की बात हो और अपसाइड डाउन की बात ना हो तो भाई पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स की टॉपिक ही अधूरा लगेगा। और टीजर देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि भाई टीजर खत्म होने को आ गया है पर अब तक इसका झलक क्यों नहीं दिखाया गया, और तभी टीजर खत्म होने के ठीक पहले मींस 1.24 में एक अपसाइड डाउन की झलक देखने मिल ही जाती है और साथ ही याद दिला जाता है स्ट्रेंजर थिंग्स के अब तक के सारे इवेंट्स को। वैसे अभी तो ये शो आने में काफी टाइम है, मींस ये ईयर 22 को आएगा, पर तब तक आपके पास एक मौका है इसे एक बार रिकैप मार लें। और जिन्होंने इस शो को नहीं देखा है उन्हें तो मैं रिकमेंड नहीं बल्कि फोर्स करूंगा कि भाई आप एटलीस्ट एक बार तो इसे देख ही लें। नेटफ्लिक्स का ये शो पैसा सूल सीरीज है। वैसे मैं भी एक ऑल सीजन रीकैप वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा ताकि सीजन 4 से पहले सारी यादें एक बार फिर से ताजा हो जाएं। बाय द वे अगर आप भी एक हार्डकोर स्ट्रेंजर थिंग्स फैन हो तो जरा कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाएं, हम भी तो देखें हमारे सब्सक्राइबर लिस्ट में से कितने इस शो के जबरा फैन हैं। तो आज के इस क्विक अपडेट वाले वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका एडिटिंग का काम मैंने फिलहाल बीच में छोड़कर इसमें कूद गया था। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and stay safe.